मैं और माफी हरगिज ना, मैंने ऐसे कोई गलती की है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। आगे आपको समझ? तुम रिफत को अच्छी तरह जानती हो रमशा, ऐसा ना हो कि वो निहाल को तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दे। एक गलती तुम कर चुकी हो, दूसरी गलती मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। ना ही मैंने कोई गलती की और ना ही मैं किसी से माफी मांगूंगी। आप जाकर ना ये बात सबको बता दें। रमशा, अगर तुमने रिफत और निहाल से माफी ना मांगी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मामा, आखिर आपको हो क्या गया? ये एकदम से मिडिल क्लास औरतों की तरह बातें क्यों करना शुरू कर देती है? प्लीज ये आदत को खत्म कर ले, तंग आ गई हूं मैं। और निहाल, निहाल चाहकर भी मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता और ना ही मैं अपने ऊपर उसकी मर्जी को मुसल्लत करने दूंगी। अगर उसने मुझे कबूल करना ना तो मेरी सब आदतों के साथ वो मुझे कबूल करेगा। आगे आपको समझ? अच्छा, अगर निहाल की मोहब्बत पे इतना यकीन है तो फिर ये जाकिर क्या लगता है तुम्हारा? दोस्त है वो मेरा, मुझे अंडरस्टैंड करता है, मेरी परवाह करता है। और निहाल, निहाल के पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? सुबह से लेकर रात तक तो वो ऑफिस में रहता है और रात को आने के बाद भी वो तो गेस्ट रूम में रहता है। मेरे लिए वक्त ही कहाँ है उसके पास मामा? क्योंकि इसमें भी तुम्हारा कसूर है रमशा। तुम गलती भी करो और वो रिएक्ट भी ना करो। मेरे ख्याल से मुझे देर हो रही, इस बारे में ना फिर कभी बात करेंगे। बाय रमशा।